हेलो, भारत माता की, जोर से बोले थोड़ा, भारत माता की, भारत माता की, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी साहब, मेरे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह जी, माफी चाहूंगा सबका नाम लेना, सब मुझे 2 मिनट का समय दिया है। सम्माननीय मंच, यहाँ सामने विराजे मेरे किसान अन्नदाता भाइयों, मैं आगर जिले की समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 1.25 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले को 5 बड़ी सौगातें दी है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, अतिवृष्टि से जब हमारे जिले की सारी फसलें चौपट हो गई, किसानों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, किसान पलायन के लिए मजबूर हो गए, मैंने हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह साहब ने, मेरे पालक मंत्री प्रियवर्ती साहब ने जब जिले की स्थिति बताई, तो योग से दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का नीमच दौरा था। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिए कि नीमच और मंदसौर के साथ साथ आगर जिले को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से आज हमारे जिले के किसानों के चेहरे पे मुस्कान है। 200 करोड़ से करीब ज्यादा पैसा मुआवजे का किसानों के खाते में जा चुका है। मैं इसके लिए समस्त किसानों की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैंने अगस्त माह में जिला योजना समिति मीटिंग में एक मांग रखी थी माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि जब भी हम गांव जाते हैं, हमारी माता बहन एक ही बात करती है, आप कुछ काम मत कराइए, आप पानी की व्यवस्था करा दीजिए, आप पेयजल की व्यवस्था करा दीजिए। मैंने प्रभारी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, तत्काल मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है जहां 615 करोड़ की कुंडालिया से नल जल योजना स्वीकृत हो गई। अब आगर जिले के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचेगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे जिले की जनता की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मुआवजे के साथ साथ 150 करोड़ की बीमा की राशि स्वीकृत हुई है, जो मार्च अप्रैल के बाद किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगी। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन किया, प्रभारी मंत्री जी हमने, कि हमारे जिले का किसान कमजोर है, गरीब है, आपने 2 लाख तक की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे जिले के किसानों को 2 लाख की ऋण माफी की योजना का लाभ मिले। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख की स्वीकृति दी और आज उसके प्रमाण पत्र वितरण होंगे। मैं मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मेरी सुसनेर विधानसभा में 3,000 करोड़ का सोलर का पार्क स्वीकृत किया। इससे निश्चित रूप से आगर जिले में बिजली का लाभ मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अपने वचन पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब गौशाला की बात की थी, मेरे जिले में 100 से ज्यादा गौशालाएं बन चुकी है, जिससे हमारी गौ माता का संरक्षण मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आगर जिले पे आपकी छत्र छाया बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।